ये है गाना पॉडकास्ट ओरिजिनल बेहद, सिर्फ गाना पर। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि एक्सीडेंट की वजह से लाचार हालत में रिधिमा और उसके पापा अपनी मासी और मौसाजी के साथ मुंबई चले जाते हैं, जहां रिधिमा के प्रति उसके मौसाजी की नीयत खराब सी लगती है। अब आगे एक दिन जब वो कॉलेज के लिए तैयार होकर अपनी सहेलियों के घर उन्हें बुलाने आई तो पता चला मीना तो अपने चचेरे भाई की शादी में गई है, कुछ दिन बाद वापस आएगी। और सुनीता की तबीयत ठीक नहीं है और बबीता को कॉलेज जाने का मन नहीं है। बबीता ने तो कह दिया तू भी मत जा स्कूल, क्या है जो रोज रोज जाना जरूरी है। पर रिधिमा उसे समझा नहीं सकती थी कि वो कॉलेज में क्यों समय बिताना पसंद करती है। वो चुपचाप अकेले ही कॉलेज के रास्ते चल पड़ी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था जब वह नुक्कड़ पार कर रही थी। पर उस दिन किसी ने उस पर फप्तियां नहीं कसी, सब चुप से थे। पर रिधिमा को पता था वह लड़के वहीं हैं और उसे देख रहे हैं, पर ऐसे चुप क्यों हैं? अचानक से उसकी नजर उनकी ओर उठ गई और उसने फिर से उसे देखा, वो नीली आंखों वाला खूबसूरत नौजवान जिसे वह कई बार पहले भी देख चुकी थी इसी जगह पर, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए उसे निहारते हुए। रिधिमा ने झट से अपनी नजरें नीची कर ली और लगभग दौड़कर उस जगह को पार किया। पता नहीं कौन है और उसे क्यों इस तरह से देखता रहता है। कॉलेज में क्लासेस करते हुए भी उसे उस नीली आंखों वाले की याद आती रही और अंदर ही अंदर वो डरती रही। उसने सुना था कि ये लोग इस तरह लड़कियों पर नजर रखते हैं और उन्हें किडनैप करके ले जाते हैं। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, कैसे घर वापस जाएगी और अभी तो शायद रोज ही अकेले आना पड़ेगा। क्या करेगी वो, क्या कॉलेज आना बंद कर दे? पर पापा पूछेंगे तो क्या बताएगी, और कॉलेज नहीं आएगी तो पढ़ेगी कैसे? उसे तो किसी भी तरह अपनी पढ़ाई पूरा करके पापा को लेकर अपने शहर वापस लौटना है, जहां कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपने और पापा का गुजारा कर लेगी। वो इस सोच में खोई हुई कॉलेज की कैंटीन में बैठी थी और तभी एक लड़की उसके पास आकर बहुत ही मीठे स्वर में बोली, हाय, क्या नाम है तुम्हारा, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? रिधिमा उसे देखते ही पहचान गई कि वो उसकी सीनियर थी। उसने जल्दी से कहा, हाँ जी बैठिए ना, मेरा नाम रिधिमा है। वो लड़की बोली, बहुत खूबसूरत नाम है, क्या मैं तुम्हें रिद्धू जी कह सकती हूँ? रिधिमा को उसका पहली मुलाकात में ही इतना अपनापन अजीब लगा, पर उसने कोई उत्तर नहीं दिया। वैसे भी वह अपने प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान थी, पर वह लड़की खुद ही बोली जा रही थी, आज तुम अकेली आई हो, अकेली ही जाओगी? रिधिमा ने उत्तर दिया। वह थोड़ा रुक कर बोली, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मेरे साथ जा सकती हो, मैं तुम्हारे पड़ोस में ही रहती हूँ, मतलब तुम्हारे पड़ोस के पड़ोस में। रिधिमा को तो जैसे अंधी को लाठी का सहारा मिल गया, पर उसने कहा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना मैम? वो हंसते हुए बोली, नहीं रे, अगर होती तो मैं तुझे नहीं कहती, और मुझे ये मैडम मैम ये मत कहो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो मुझे दीदी कह सकती हो या जरीना दी, मेरा नाम जरीना है। रिधिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं आपको जरीना दी कहूंगी। जरीना दी से उसकी खूब दोस्ती हो गई थी। वह अब उनके साथ ही कॉलेज आती जाती क्योंकि उसे ये बात समझ आ गई थी कि जरीना दी के साथ रहने पर सारे आवारा लड़के उनसे दूर रहते और फप्तियां कसना तो दूर की बात थी, उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। पर रिद्धिमा की सहेलियां अब उसके साथ नहीं आती थी, पता नहीं क्यों उन्हें जरीना दी बिल्कुल पसंद नहीं थी। पर इससे रिद्धिमा को कोई फर्क नहीं पड़ता था,
उसे जरीना दी के रूप में एक दीदी और एक साथी मिल गया था। कभी कभी कॉलेज में ही जरीना का मैसेज आता, कैंटीन में मिल। वह कैंटीन में आती तो जरीना दी शिकायत भरे लहजे में कहती, इतनी देर क्यों की? देख, मेरे पसंदीदा खाना होते हुए भी तेरे साथ खाने का इंतजार कर रही हूं। एक दिन रिद्धिमा ने पूछा, दी आपके मम्मा पापा आपको बहुत प्यार करते हैं ना, जो यहां आकर टिफिन देकर जाते हैं। जरीना हंसते हुए बोली, नहीं रे, ये तो मेरा गैंडा लाता है जो मुझे बहुत प्यार करता है। रिद्धिमा ने आश्चर्य से पूछा, ये गैंडा कौन है और ऐसा नाम क्यों? जरीना कौर मुंह में रखते हुए बोली, ये गैंडा तेरा होने वाला जीजू है और मैं उसे प्यार से इसी नाम से बुलाती हूं। रिद्धिमा ने हैरान होकर पूछा, आप इनको इस नाम से बुलाती हो, वो बुरा नहीं मानते? जरीना बोली, नहीं रे, मैं तो बचपन से उसे इसी नाम से बुलाती हूँ। अब बड़ा हुआ तो नाम बदल जाएगा क्या? और वो बहुत प्यारा इंसान है, किसी भी बात पर बुरा नहीं मानता। रिद्धिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या करते हैं जीजू? जरीना कहती है, नौकरी की तलाश। वैसे उन्हें नौकरी की जरूरत नहीं है, उसके पापा बहुत बड़े माफिया हैं, मुंबई की आधी दौलत उन्हीं की है, पर जकर को ये सब पसंद नहीं, इसलिए हमने सोचा शादी के बाद हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे जहां उसके पापा की जायदाद भी ना हो और काले कारनामे भी। रिद्धिमा कहती है, ये तो अच्छी बात है दी। जरीना ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ, मैं इस बात पर खुश हूं कि जकर को उसके पापा की काली कमाई से उतनी ही नफरत है जितनी मुझे। वैसे तेरे वो जीजू इसी कॉलेज के पास आउट है और उनका दिल बहुत साफ और बंदा नेक है। जानती हो रिद्धि जी, जहां उसके पापा को खून खराबे के अलावा कुछ नहीं सूझता, वहीं जकर अगर रास्ते में पड़ा हुआ एक जानवर भी देख ले तो उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसकी सेवा तब तक करता है जब तक वो ठीक ना हो जाए। रिद्धिमा समझ रही थी कि जरीना दी जीजू से बहुत प्यार करती है। उनकी बातें करते हुए जरीना दी का चेहरा चमक रहा था। रिद्धिमा ने सोचा, शायद प्यार इसे ही कहते हैं जो सबके नसीब में नहीं होता। जकर जीजू से मुलाकात भी कितनी अजीब थी। रिद्धिमा को वो दिन भी याद है जिसे याद करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। एक दिन जब वह जरीना दी के साथ घर लौट रही थी तो एक लंबी सी कार उनके सामने आकर रुक गई और उसमें से एक खूबसूरत लंबा चौड़ा नौजवान नीचे उतरा, जिसे देखकर रिद्धिमा थोड़ी डर गई। पर उस नौजवान ने जरीना दी की तरफ देखकर कहा, हेलो बीबी, कैसी हो? जरीना ने उसे गुस्से से घूर कर देखा और बोली, तू गेंडा ही रहेगा, कितनी बार कहा है मुझे बेबी मत बोला कर, लगता है मैं कोई बच्ची हूं। सकर खूब हंसा और बोला, इसलिए तो कहता हूं, मुझे पता है तुम्हें बेबी से चिढ़ है और गुस्सा आता है और मुझे तुम्हारा गुस्सा बहुत पसंद है जान। जरीना उसी गुस्से से बोली, तुझे अकले नहीं है जकर, यहां बीच रास्ते में इश्क फरमाने आया है, अगर तेरे बाप ने देख लिया तो हंगामा मच जाएगा। जकर कंधे उचकाते हुए बोला, प्यार किया तो डरना क्या? जरीना उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, दो झापड़ लगेंगे अभी, अब कंधे क्यों उचका रहे? पापा के सामने तो भीगी बली बन जाएगा, मुझे शादी करना है या नहीं? जकर कहता है, ऑफ कोर्स करना है, और ये अपनी छोटी बहन के सामने मेरी इज्जत क्यों बिगाड़ रही हो? ये नई गाड़ी ली है तो सोचा आज तुझे इसमें घुमा लाऊं, तुझे पता है ना इसके बिना मेरी खुशी पूरी नहीं होगी। अब जरीना मुस्कुराई और बोली, इसलिए तो तुझे इतना प्यार करती हूं, पर रिद्धिमा को घर छोड़ना है। जकर मुस्कुराते हुए बोला, रिद्धिमा तुम भी साथ चलो, हम थोड़ा घूमकर फिर जरीना के फेवरेट रेस्टोरेंट में उसकी पसंद की चाइनीज फूड खाकर नाक आंख बंद करके खाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चाइनीज बिल्कुल पसंद नहीं, कहकर वह जरीना की तरफ देखकर बेशर्म सा मुस्कुराया। जरीना बोल पड़ी, ये तेरा प्रॉब्लम है, आदत डाल ले, क्योंकि मेरे साथ तुझे ही रहना है। रिद्धिमा बोल पड़ी, दी
मैं घर जाती हूं। जकर ने जल्दी से पूछा, क्यों, तुम्हें भी चाइनीज पसंद नहीं? रिद्धिमा कहती है, नहीं नहीं, मेरे पापा मेरा इंतजार कर रहे हैं, हम साथ में खाना खाते हैं ना, उन्हें टेंशन होगी। जरीना बोल पड़ी, मैं आंटी को फोन कर दूं, तू टेंशन मत ले। जकर कहता है, हाँ तुम्हें तो हमारे साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम हो तो मेरी साली और साली है आधी घर वाली। पर उसकी बात पूरा करने से पहले जरीना ने उसके पीठ पर एक धौल जमाते हुए उत्तर दिया, सोचियो भी मत। रात को जब वो घर वापस आई तो दिल बहुत खुश था। जकर जीजू बहुत अच्छे थे और जरीना दीदी के साथ तो ऐसा लगा कि जन्मों का रिश्ता है। पर घर आते ही उसका मूड खराब हो गया। मौसा जी मासी पर बरस रहे थे, इतनी रात हो गई, जवान लड़की बाहर है, तुझे पता है दुनिया के लोग कैसे हैं, लार टपकती है, जवान लड़की देखते ही वो पागल हो जाते हैं। मासी ने उत्तर दिया, लार तो सबकी टपकती है और रिद्धिमा कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि बांध कर रखे। वैसे भी जरीना ने मुझे फोन पर बता दिया था। मौसा जी दहाड़े, अब मेरा धर्म भ्रष्ट भी करवा दोगी, ऐसे लोगों से मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रिद्धिमा को लगा कि जाकर कह दे कि जरीना दी और जकर जीजू आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हैं मौसा जी, आपको तो देखकर मुझे घिन आती है। तभी उसने सोनू की आवाज सुनी और उसके पास आकर फुसफुसा रहा था, दीदी चलो हम सो जाएं, पापा भी राक्षस बन गए हैं। रिद्धिमा सोनू के साथ उसके कमरे में आई जहां वो भी सोती थी। बेड पर बैठते हुए बोली, अपने पापा को ऐसा नहीं कहते सोनू, बुरी बात है। पर सोनू ने मुंह बनाकर कहा, तो क्या बोलूं दीदी, जब वो मम्मा को चिल्लाते मारते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, दिल करता है मम्मा को लेकर कहीं दूर चला जाऊं। रिद्धिमा उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोली, मैं भी जाऊंगी तेरे साथ सोनू, और पापा को भी ले जाऊंगी, हम चारों मिलकर वहां रहेंगे। सोनू ने खुशी भर स्वर में कहा था, हाँ दीदी मैं नौकरी करूंगा और अपना खाना बनाना, मम्मा से नहीं होता, बहुत थक जाती है, खांसती रहती है। रिद्धिमा कहती है, हाँ पर मैं नौकरी करूंगी सोनू, पापा और मासी को हम बहुत खुश रखेंगे। सोनू ने पूछा था, तो आप खाना नहीं बनाओगी? रिद्धिमा कहती है, अरे नहीं पगली, मैं खाना भी बनाऊंगी, घर का काम भी करूंगी और जॉब भी करूंगी। सोनू बहुत खुश हुआ और कहता है, तो फिर मैं घर के कामों में आपका हाथ बटा दूंगा। दरवाजा खुलने की आवाज से रिद्धिमा जैसे होश में आ गई, यादों के भंवर से निकल आई थी वो, वही लड़की खड़ी थी, होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए और हाथ में एक ट्रे था। वह ट्रे टेबल पर रखते हुए बोली, मैम गर्म कॉफी है, 2 चम्मच शक्कर और ढेर सारा दूध, आपको पसंद है ना? रिद्धिमा ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वह लड़की थोड़ा घबरा गई और फिर संभलते हुए बोली, नहीं असल में मुझे पसंद है ना, तो मुझे लगा आपको भी होगा, कोई ना आप बताएं आपको कैसी कॉफी पसंद है। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे भी पसंद है, तुम रख दो मैं ले लूंगी। उस लड़की के जाने के बाद रिद्धिमा को कॉफी का मग हाथ में लेते हुए बहुत जोर से हंसी आई। सच में इस लड़की का सर कोई बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, रिद्धिमा को जगाए रखने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। अगले एपिसोड में जानिएगा कि नुक्कड़ के लड़के क्या बोलते हैं रिद्धिमा के बारे में, जिसको सुनकर वो परेशान हो जाती है। सुनना ना भूलिएगा।